हेलो। हेलो। हाँ हाँ अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ हाँ आ रहे ना, बोली बोली। कल बोले ना, मैं तेरे को समझ गया है ना। तू अभी अभी ज्यादा डिटेल में तेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना अभी। भाई सब जरूरत नहीं है, खाली मेरा आपको एक निवेदन है हाथ जोड़ के हाँ कि हाँ बोल आपको आपको उसे क्या। जो फेवर लेना है वो फेवर मैं आपको देता हूँ, मेरा काम कराओ। आप क्यों, ये आदमी जो है भाई, पहले भी आपके नाम पे, अभी मैं क्या बताऊं किस किस के लिए आप बोल रहे हैं, थोड़ा मेरे को वो स्पष्ट कीजो। और जो आप इनके फेवर में बोल रहे हो तो भाई ये लोग बहुत निचड़ लोग हैं। नहीं, निचड़ निचड़ लोग रहेगा हो या कुछ भी रहेगा यार, लेकिन है तो मेरा कांटेक्ट में है ना वो लोग। उससे क्या मतलब है तेरा? मैं तो तेरे को पहला बोला था मेरा पेमेंट कर दे, मैं ट्रांसफर कर दे, तू पेमेंट देने को तैयार ही नहीं है मेरे को। भाई मेरे को आप नाम इसके लिए स्पष्ट तो मैं तेरे को करो। बोला ना कि पैसे मैं ले। भाई मैं सब नाम समझ रहा हूँ। नहीं मेरी बात सुन, हाँ मेरी बात सुन पहला। वो लोग तेरे को मालूम है कैसे है, निचड़ है विचड़ है कुछ भी है। जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ उन लोग का पेमेंट छोड़ दो तो छोड़ दे ना, फिर कैसे मैं उन लोग के पीछे पड़ा है? तू लड़ सकता है क्या? बता मेरे को, तू उन लोग नहीं के भाई, लड़ अभी चार सकता है साल क्या? से मैं तू मेरे से परेशान तो लड़ हुई ना, सकता है चार क्या? साल से मैं परेशान तो हुई उससे। हाँ तो अभी मैं तेरे को अभी बीच में गिर के मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो तेरे को समझ में आना चाहिए ना अभी क्यों बात कर। अभी तू पहले स्टेज में, इसके लिए मैं तेरे को बात कर रहा हूँ अभी, समझ गया? इसके लिए बोल रहा हूँ, पैसे का मैटर है, जो भी क्लोज कर दे, समझ गया? अभी तेरे को उसका नाम भी बता रहा हूँ मैं, अच्छे से तेरे को मान लू मैं अभी सब कुछ टोटल तो तेरे को बता दिए ले मैंने। भाई उसका नाम है मैं पंकज बोल के, समझ गया? हाँ नहीं, उसका नाम है पंकज, पंकज बोल के, जानता है ना तू उसको अच्छे से? तेरे पंकज चलोकानी। हाँ को पूरा तो इंडिकेशन दे दिया मैंने। क्या बोला? पंकज चलोकानी। हाँ पंकज किलो का नहीं, और उसके साथ में और 3 जन है, समझ गया? वो पंकज एकदम खास है अपना, वो पंकज एकदम अच्छा मेरा कांटेक्ट में है, समझ गया? वो हाँ तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तेरे को अभी, तेरे को मालूम है जब सामने में तू लड़ ही नहीं सकते तो तू काहे के लिए वेट कर रहा है? भाई, 2017 जब में भी तेरे को मालूम है इसको, सामने में तू लड़ ही नहीं, बोल। 2017 में 17 में भी इसको आपके नाम से लेकर गए थे ना पुलिस बहुत बार। तो मालूम है ना अभी, हाँ इसको खन्नी अभी वाले जब तेरे बहुत को बार सब लेकर मतलब गए पूरा थे। हाँ टोटल डिटेल बताऊँ क्या मैं तेरे को? क्या अभी पूरा टोटल डिटेल बताऊँ क्या अभी मैं? 17 भाई में क्या हुआ था, 16 में क्या हुआ था, उसके बाद 18 में क्या हुआ था, वो सब तेरे काम नहीं है ना यार वो सब जानने का। जब तेरे को अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, वो पंकज एकदम खास है अपना, अच्छा मेरे कांटेक्ट में हो, समझ गया? अच्छा खासा मतलब भार्गव में भी अच्छा कांटेक्ट में हो, अपने दोस्तों के कांटेक्ट में भी है वो। भाई तो कौन है आपको इतना सब बता रहा है? ये है, मैं भी तो जान जान अभी देखो, मैं तो अभी तक आपके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं गया हूं। नहीं तो आप जो आदमी आपको इतना बता रहा है कर रहा है, पंकज डायरेक्ट तो फोन नहीं करता होगा, जो आदमी कोई भी बीच में। अभी क्या जब नहीं मैं भाई तेरे को अभी बोल पूरा, रहा हूँ अभी पंकज के भाई उन लोगों मैं ने हाथ जोड़ के, दिखा, अभी मेरे को पूरा, अभी पिक्चर तो सामने आ रहा है। आप अभी जो आप 3 लोग आदमी बोल रहे हैं, मैं भी सब समझ रहा हूँ कौन है क्या है, किधर मीटिंग अपना चालू है और कौन मेरे को मिल रहे हैं, मैं भी सब आदमी अभी आप बता भी रहे हैं। लेकिन भाई जो आदमी आपको इसको ये बता भी रहा है ना, तेरा वो लोग से लफड़ा चालू है, दिल्ली का मगजमारी चालू है। उसमें जरूर उसमें जो तू उसको भी अच्छे, राजपाल को भी अच्छे से जानता है तू, है ना? राजपाल को भी अच्छे से जानता है, तेरा एकदम खास है उमेश राजपाल। हाँ भाई दूसरा ये हो गया, तीसरा उसके बाद रोशन है, रोशन उसके बाद माखीजा रोशन है, सुशील है, हाँ सुशील माचिस है, और वो दूसरा उदासी। उदासी उदासी। तो भाई ये और चार आदमी को बाकी छोड़ तेरा के, जितने भी जो भी इधर सुने, 4 लोग को छोड़ के बाकी तेरा जितने भी मगजमारी है तू निपट ले भाई, समझ गया? ये लोग के चक्कर में तू पढ़ना नहीं रह, समझ गया? वो भाई लोग का उधर साइड भी चालू है, काम चालू है, फुकर का मगजमारी मत कर रहे। इसमें अपना अपना मतलब भरगा, उसे भी वो तो 2 लोग का भी पेमेंट लगा हुआ है उधर, इसके लिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ मैं। भाई जो आपका बाहर गांव का दोस्त है वो आपको जो हाँ बताओ। इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, वो कैसा है, इनके पास पैसा बहुत है लेकिन देने का नियत नहीं है। आपको जो बाहर गांव वाला आदमी है, थोड़ा मेरे को स्पष्ट करो ना खाली कौन है, तो मैं आपको पूरा पिक्चर समझाता हूँ। अरे तन तेरे को क्या उसका क्या मतलब है? पूरा मतलब समझाएगा, मैं तेरे को पूरा बताऊंगा कौन क्या है, मतलब इसका क्या मतलब क्या है इसका? भाई कैसे है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मैं हाँ आपको बता। पूरी स्टोरी बताऊंगा ना। पंकज को भाई मैंने इतना पैसा दिया, इतना मदद नहीं किया, जब मैंने तेरे को बोला है कभी,
नहीं, तूने तो मेरे से कोई डील किया ही नहीं, तो मैं तेरे से इतना खुला होकर बात करने का मतलब ही नहीं आता ना यार। तू भाई दो तो महीने मेरे को से जानता है क्या? मैं तू कभी भाई मेरा नाम ही देखा है ना तू? बाकी मैं तेरे से बाकी कुछ रिलेट भाई करने के आपका तेरे मेरा नाम बता सुना है, आपके तो काम मैं देखे हैं ना, तेरी आपके काम देखे हैं ना कि मैं भाई आपका मैंने काम देखा है ना। और दूसरी बात ऐसे है भाई जो हाँ देखा है या नहीं देखा है, अभी सब कुछ तेरे को पता है। तो मैं जब तू मेरा काम ही देखा है ना, बाकी तू मेरे को जानता तो है ही नहीं ना भाई कुछ, तो तेरे को कौन बनेगा? मेरा कोई मतलब ही नहीं आता ना। जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो लोग मेरा दोस्त लोग है, जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो लोग मेरा दोस्त लोग है, तो बात खराब हो गया ना। भाई सुनो तो ना, तेरे से मेरे को रहेगा बात तो मेरा मतलब भी नहीं आता ना कोई। सुनो ना भाई, हाँ आवाज बोल आ रही बोल। भाई, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, कौन सुन रहा हूँ? आपका हाथ जोड़ता हूँ, हाँ मेरा रोज उनसे मीटिंग चालू है, रोज का मगजमारी चालू है। आप जो उससे ले रहे हैं मेरा काट के देने के लिए, उनको बोलो ना, समझो आपको कोई फेवर उनको करना है। अभी आपको कोई बारगाह वाला क्या बोलता है कैसे बोलता है मुझे नहीं जानकारी है, अगर आप थोड़ा मेरे को जानकारी देंगे तो बराबर। मैं आपको भाई पूरा पिक्चर बताऊंगा ना, क्या पिक्चर है भाई। मेरे घर पे आके ये लोगों ने मेरे पे हमला करवाया है। जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरा खास आदमी लोग है, मेरा दोस्त लोग है, उसमें उधर जब मेरा दोस्त लोग का इन्वेस्टमेंट लगा है, तो तू मेरे को क्या ऑफर दे रहा है? तू मेरे को समझ नहीं रहा है। जब मैं तेरे को बोला या तो उधर का पैसा छोड़, या तो मेरे को पेमेंट करके दे, मेरे को मेटर क्लोज कर दे। भाई आपके अगर दोस्त का पैसा भी लगा हुआ है तो जो वो उसको फेवर कर रहा है, मैं कर रहा हूँ उसको बात खत्म करने के लिए, बोलो ना, समझो अगर वो जो फेवर आपको देगा तो वो फेवर आप मेरे से लो, हाँ लेकिन मेरा मैटर क्लियर कराओ ना भाई। आपका कोई एकदम खास आप ऐसा हमारा बोल, हाँ बोलिए। मैंने एक बार बोल दिया किसको जबान दे दिया वो दे दिया, समझ गया? उसमें वाला काम नहीं करता मैं, समझ गया? अभी देखो अभी मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, तो तू जो बोल रहा है मेरे को वो भी समझने को आ रहा है, लेकिन वो ऐसा काम मैं करता नहीं है, समझ गया? वो दो नाव में पैदा क्या कुछ चलता नहीं है। अपना जो भी है सीधा सीधा बात करता है तू, समझ गया? मतलब उससे भी लेने का, तेरे से भी लेने का, वो सब निकाल वाला काम नहीं करता अपन, समझ गया? अपन जो भी है मतलब मुंह में बोलते हैं सीधा, बढ़िया वाला गेम नहीं खेलता है वो सब, तुम लोग के उधर वो खेलता रहेगा उल्लासनगर में होता रहेगा, समझ गया? अपन जिसको बोलता है ठोकते था ठोकता ही है, उसको भले 6 महीने का तो लगे या 1 साल लगे, जिसको ठोकने का उसको ठोकता ही दम से। वो भी अच्छा वाला रहे, कोई भी रहे, समझिए जो मेरे को नड़ेगा वो, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और मेरे भाई से मुझे बैठ के तो जो भी धक्का पड़ा किया है कि मैं जो भी मेरा तेरा उल्लासनगर तो बॉम्बे रहने दे, किधर भी रहने दे, अच्छा कर्नाटक में भी रहने दे, सब जगह अपना नाम है, समझ गया? कम से कम 6 मर्डर का बिल लेके बैठा हूँ मैं इधर, तेरे को तो उल्लासनगर में एक ही मर्डर दिखता होगा, बाकी पूरा महाराष्ट्र लेके कर्नाटक में 6 मर्डर कैसे है मेरे ऊपर, समझ गया? बाकी वो सब अभी तेरे को बताने का जरूरत नहीं, तू तो खाली उल्लासनगर का ही बात कर रहा है ना तू, बाकी दूसरा भी जगह है वो भी देख ले मैं क्या करता क्या नहीं, समझ गया? तो अच्छे से जान रहा है ना मेरे को, अभी तो तेरे को समझा रहा हूँ मैं तेरे को, अभी ये सब झमेले में पड़ मत, अभी जो अभी मैंने तेरे को बताया ये फाइनल है मेरा, समझ गया? बाकी तेरे को जिससे भी जान, किसको क्या करता है वो मेरे को पता नहीं। बाकी ये जो चार लोग हैं ये लोग के नाम में लगना नहीं, मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, अभी तेरे को कल समझाने का समझाया, अब ये तेरे को लोग मैंने बता दिया, अभी तू मेरा जान खा रहा है तो कभी से बोल रहा है, तेरे को मालूम है सब कुछ भी, फिर भी बोलता है, बताएगा तो नाम भाई मैं बात करूंगा, बात करूंगा, अभी मैंने तेरे को बता दिया नाम, समझ गया? अभी तू मेरे को ऑफर देगा, तू बोलेगा जो निकलता है वो लोग से, तू जो बोल रहा है मेरे को समझ में आ रहा है ना, वो लोग से मैं निकल रहा है उतना मैं करके देता हूँ, ये तो पहला तो तूने बोला नहीं, समझ गया? वो पहला तो मैं तूने मेरे को बताया नहीं, अभी ये सब मेरे को फालतू की बात कर मत, समझ गया मेरे से? भाई अभी तो बीच आगे में अभी आपने अभी तो आगे मेरे को सब तू बता दिया भाई, खाली कौन बीच में है उतना भी मेरे को खाली दे दो इंट, मैंने तो उससे बात करूं आपको, अगर वही बोलेगा मेरे लिए समझो भाई, इसको परेशान नहीं करो, तो उतना खाली मेरे को बता मतलब दो, मैं आपको हाथ मैं जोड़ता बोल हूं। रहा तो बोल रहा जरूर, वो समझ में नहीं आ रहा है। हा? जो नहीं तेरे भाई को मैं बोल थोड़ी रहा है क्रॉस उसका कर रहा क्या हूं आपको, मतलब है भाई तेरे को इससे बात कर? क्या बोल रहा है? भाई मैं थोड़ी आपको क्रॉस कर रहा हूं, आप इतनी मेरे को माँ बहन कर रहे हैं तो भी मैं सुन ही रहा हूं ना। हिंद बोल रहा है, आपको जो हिंद दे रहा है तो उसका बताओ, उससे बात करता इसका क्या मतलब है?
नहीं भाई, कोई समझो कैसे है, उनकी तरफ से अगर कोई आदमी बात कर रहा है या आपका बोलते हुए मेरा इतना क्लोज है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको कन्विंस करूं, मैं उसको बात करूं, मैं जाके मुलाकात करूं, भाई देखो ये मेरे साथ गलत हो रहा है ऐसा, मेरे को टेबल पे बैठा के जो मेरा न्याय है वो करा के दो। भाई मेरे को 4 साल से ये लोगों ने बहुत परेशान किया है, भाई आपको नहीं जानकारी है। परेशान तो तूने भी किया है, समझ गया, तूने भी किया है। तुम लोग का जो भी है आपस का लेन देन का जो भी है, तुम लोग ने सब कुछ किया है उधर एक दूसरे के। तो इसके लिए मैं बोल रहा है अभी फुकर का, तो अभी कुछ एक्शन लेने के पर मेरे को मजबूर मत कर यार, समझ गया। अभी मैं ज्यादा बात करेगा नहीं, तू मेरे को बोला हमको कौन देना है उसका डिटेल बताओ, वो जो ये कर रहा है ये सब फालतू की बात मत करा के मेरे से। उसके बाद से तू क्या बात कर रहा है, जब मैनेजर को बोला सीधा सीधा बात कर रहा हूँ मैनेजर से, पैसा छोड़ने का मतलब छोड़ देगा, बात खत्म हो गया उधर। आगे तेरे को क्या कर लेगा वो तू सोच ले, समझ भाई मेरा हाथ जोड़ गया। के रिक्वेस्ट है भाई। अभी इससे मैनेजर को अभी बताया मैनेजर को, अगर इसके बारे में वेंचर तू थोड़ा भी 19-20 या कुछ भी वेंचर गानुगुली करेगा ना उन लोग को, वेंचर तकलीफ दे तो समझ जा मैं बेटा इधर, ये भाई फुल मुझे, एडवाइजर बता रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ मुझे आपके खिलाफ जाना होता। में रखना, एक बार नहीं मारूंगा बच्चेगा तो 10 बार मारूंगा मैं तेरे को, ये बात ध्यान में रखना तू। एक बार नहीं मारूंगा बच्चेगा तो फिर मारूंगा, इतना बात ध्यान में रखना तू। अभी इससे ज्यादा मैं बात नहीं करेगा तेरे को, समझ गया। खाली अभी इतना बोल रहा हूँ कि वो लोग के नाक में लगना नहीं, वो लोग के नाक में लगना मतलब तेरे को सीधा सीधा मेरे नाक में लग रहे थे, ये बात ध्यान में रखना तू। बाकी वो भार्गव में कौन बैठा है तेरे को बताया, पंकज वो उधर मेरा खास है, समझ गया। वो मेरा डायरेक्ट उधर भार्गव में मेरा देश के पास देश में है, और अच्छा उधर फाइनेंस बिजनेस का जो भी है मतलब काम चल रहा है, वो पैसे पीसे का ऑफर देने का मेरे को वो छोड़ जाएगी। वो बारगांव में जो बेटा है तू सोच रहा है उससे बात करेगा, इससे बात करेगा, उसका बात करने का कोई मतलब नहीं आता है। मैं चीजा बात कर रहा हूँ मेरे को बात खत्म हो गया इधर। अभी इधर में दिमाग में मतलब ताने लगा के ले ले तू, अभी ये बात हो गया है, पैसा तेरे को छोड़ना है, और इसके बाद में वो लोग को भी मैं समझा देगा कि वो लोग भी तेरे नाक में लगेगा ना तू वो लोग के नाक में लगेगा। तो भाई जो आप बोल रहे हैं केस है, उन्होंने भी मेरे पर कोई झूठे केस किए तो वो तो सब मैंने निकालेंगे ना। बात किया करेगा मैं उसको बाद में, वो जो भी बोल रहा हूँ केस का क्या है क्या नहीं वो भी बात करेगा मैं उससे, अच्छा वो तू देख लेना। बाकी बाकी ये लोग का ऊपर जो भी तरह कंप्लेंट है या क्रॉस कंप्लेंट है दोनों का, मैं उसको बोलेगा एक दूसरे के ऊपर जो भी है तुम लोग क्लियर करके ले लो, समझ गया। उसको ढंग से बताएगा नहीं, उसको मैसेज देगा मैं, वो बात कर लेगा मेरा दोस्त के ऊपर भार्गव में, तो उसको मैसेज दे देगा तो बात कर लेगा, ठीक है। भाई अभी मेरा, मैं मैं क्लोज भाई कर हाथ जोड़ता हूँ ना भाई, बोल हाथ जोड़ता हूँ बोल भाई, बोल। जो बीच में है उसको मेरे को एक बार मिलने का चांस दो। पहले से हाथ ही जोड़ रहा है, अभी वो तेरा हाथ जोड़ना रोना धोना सब बंद हो गया, अभी ताली क्लोज हो गया इधर। अब ये चैप्टर क्लोज कर इधर, नहीं तेरा क्या बोला अभी, तेरा जो भी है केस का और जो भी है तुम लोग का कंप्लेट अम्प्लेट का उसको बोलेगा मैं, भाई दे देगा पंकज को, वो जो भी है वो देख लेगा, वो समझ गया। वो तुम लोग आपस में बैठ के बाद में बात करो, और इधर इसके बाद में तुम लोग को पैसे पीछे का मैटर को लेके बात ही मत करना, पैसा का मैटर इधर क्लोज कर देना, और साइड में जाने का वो साइड में नाटक वीटक मत करना भाई, समझ गया। उधर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, फालतू का मगजमारी मत कर। उधर भाई आपका तो पैसा भी है क्या उसमें? ठीक आपका आपका पैसा भी है क्या? यार तू तो ऐसा बात कर रहा है यार, तू जैसा इधर मतलब मेरा खास आदमी है ऐसा बात कर रहा है तू, उस आपका भी पैसा है क्या, उसका भी पैसा है क्या, तेरे को जो बोल रहे हैं वो ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? अभी भी बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को, अभी ये बात सुन, अभी इधर से अभी जो भी बोला कंप्लेंट का बोला है वो मैं पंकज से बात करेगा मैं, समझ गया। उसके बाद में उसका नाम बताया वो लोग के नाक में लगना नहीं, बस 4 जन का, बाकी जो भी तेरा केस का मैटर है वो मैं सॉल्व करके देगा तेरे को, बाकी वो पैसे का मैटर है वो भूल जा तू अभी, ठीक है। इससे ज्यादा बात करेगा नहीं मैं अभी, अभी आगे का बात जो भी है तू समझ जा अभी, ठीक है। फोन रख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है भाई, चलेगा ठीक। देखिए जो कोर्ट में सुरेश पुजारी के इंक्वायरी में जो हमें पंकज का जो नाम आया है कि उल्लासनगर का जो भी यहाँ का मैसेजेस, किससे पैसा मांगना है, किस किस का नाम देना है, उसमें पंकज ने जो यहाँ उल्लासनगर वासियों के व्यापारियों के नाम बताए हैं सुरेश पुजारी जी को, वो एकदम उल्लासनगर के लिए दुखद घटना है। आज ऐसे ऐसे व्यापारी
बहुत सारे व्यापारियों ने पैसे भी दिए, बहुत सारे व्यापारी, हमारा एक सच्चू केबल वाला, उसका मर्डर भी हो गया। उसके अलावा उनके साथ में ही रहने वाले कालानी परिवार में जो लोग साथ में घूमते फिरते हैं, जो रहते हैं, उनसे भी उनके नाम देके पैसे मांगने की डिमांड की गई सुरेश पुजारी ने। आज उल्लासनगर में उन्होंने कोशिश की कि एक खौफ का माहौल हो, डर का माहौल हो, और उन्होंने ये सोचा होगा कि ये उल्लासनगर वासियों को मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा नाम ना आएगा। लेकिन आज पुलिस डिपार्टमेंट में जो सुरेश पुजारी को पकड़ के आज सलाखों के पीछे रखा है, और कोर्ट में जो उसने कबूला के उल्लासनगर, जो उल्लासनगर में से जो भी मुझे रिपोर्ट मिलती थी या जो भी मुझे फ़ोन कॉल आते थे या जिसके जिसके लिए बोला जाता था, और मेरे साथ में पंकज जी बंधा हुआ था, आज वो कालानी परिवार के साथ में उनके TOK में शामिल है और उनके पदों उनका पद है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करूँगा कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उल्लासनगर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर 2 या 4 5 केसेस है, उनको तरीपार किया जाए, कायदे से कार्रवाई की, जो कायदे से में बैठता है, अगर तरीपार का है कायदा तो तरीपार किया जाए। आज यहाँ पे कायदा स्ट्रिक होगा तो क्राइम नहीं बढ़ेगा, लेकिन कायदा स्ट्रिक नहीं होगा तो क्राइम बढ़ते रहता है, व्यापारियों में से एक डर का माहौल रहता है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से मांग करूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मैं ऐसी लिखित में कंप्लेन दूंगा। देखिए, सुरेश पुजारी गैंगस्टर का कोर्ट के अंदर खुल्लम खुल्ला पंकज त्रिलोकानी का नाम लेना बहुत ही एक अजीब गरीब घटना है। इस शहर के TOK पार्टी से जुड़े हुए लोगों को कई बार फोन आते थे, सुरेश पुजारी उनसे रंगदारी वसूल करने के लिए फ़ोन करते थे और कंप्लेन होती थी, लेकिन ज़्यादातर नाम जो हैं उसी पक्ष के लोगों के हैं, उसी परिवार से जुड़े हुए लोगों के हैं जो पंकज त्रिलोकानी जिससे जुड़ा हुआ है। और आज पंकज त्रिलोकानी का जो कार्यालय है वहाँ पर भी उनका मुख्य कार्यालय बना हुआ है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। एक छोटा सा पक्ष बनाकर इस प्रकार गुंडों को अपने पक्ष में रख के, जैसे प्रदीप रामचंदानी जी ने बताया, जितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, सबके सब एक ही पक्ष से होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यह एक बात जो है, इस पर पुलिस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और इसकी छानबीन करनी चाहिए कि किस प्रकार राजनीति से जुड़कर, शहर के लोगों से जुड़कर, उनके नाम बताकर उनसे पैसे वसूल करवाए जाते हैं। मैं इसका पूरा का पूरा आरोप ऐसे परिवार को दूंगा जो छोटा एक पक्ष बनाकर, लोगों के मसीहा बनकर, अपने ही लोगों के पैसे गुंडों को दिलवाते हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से, हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी और हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो आज के विरोधी पक्ष नेता हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उनसे ऐसा निवेदन दूंगा उनको कि पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे क्रिमिनल लोग जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, जो फरार हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में फरार हैं, फिर भी इस शहर में घूम रहे हैं, तो यह सीधा का सीधा या तो फिर पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। फरार व्यक्ति को इस शहर में कई बार देखा गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शहर की सुरक्षा हमारे लिए प्रमुख है। इस प्रकार का क्राइम, इस प्रकार की घटनाएं अगर इस शहर में बढ़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। हम बहुत जल्द थाने के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले हैं, उल्लासनगर के उपायुक्त और ACP उनसे भी मुलाकात करेंगे और ऐसे लोगों के ऊपर मकोका लगाने के लिए या उन्हें तड़ी पार करने के लिए मांग करेंगे। ये जो बातें आप बता रहे हो, ये जो आप बातें बता रहे हो, अगर आप इतिहास को पन्ने उलट कर देखेंगे
उल्लासनगर के राजनीति में अपराधीकरण कालानी परिवार से शुरू हुआ था और आज भी वह बदस्तूर चालू है। अगर सूची देखी जाए, अधिकतर नाम जिसमें टीओके के जुड़े हुए लोगों के हैं, तो इस बात की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि यह एक नूरा कुश्ती हो। ओमी कालानी और सुरेश पुजारी के बीच में यह तो एक जांच का विषय होता है, पुलिस ने जांच करनी चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग रहेगी। लेकिन इस बात की शंका को, इस बात के संदेह को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इस पूरे किस्से में कालानी परिवार शामिल न हो। देखिए, जिनके नाम सामने आए, जिन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की, उनके नाम इस तरीके से हैं: सुमित चक्रवर्ती, अमित वाधवा, हरेश कृष्णानी, सच्चू केबल, राजेश टेकचंदानी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर, एमके वाइंस, विक्की वाइंस, महेश सुखरामानी। ये नाम जिन लोगों ने पुलिस में शिकायत की। और इतने कितने शरीफ लोग होंगे जिन्होंने चुपचाप से यह मामला अपनी जीवन से समझौता न करते, पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते, पैसे दिए होंगे। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सारे नाम ढूंढ कर निकाले और ऐसे अपराधी जो अपराध करते हैं, जो खबर देते हैं और जो खबरियों को आशीर्वाद देते हैं, सबके ऊपर कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।